तो हेलो फ्रेंड, पावर प्लान गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूमेटिक एयर सैलिन सिस्टम क्या होता है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, देखेंगे कि ये जो हमारा न्यूमेटिक एयर सैलिन जो सिस्टम होता है ये कैसे वर्क करता है, हमारा जो एयर है वो एयर हॉपर से लेकर साइलो तक कैसे कन्वेइंग होता है न्यूमेटिक एयर सैलिन सिस्टम में। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो न्यूमेटिक एयर सैलिन सिस्टम, तो इससे पहले जब हम लोग एयर सैलिन सिस्टम का टॉपिक कवर कर रहे थे तो उसमें हम लोग ने देखा था कि जो एयर सैलिन जो सिस्टम है वो तीन तरह का होता है। एक होता है आपका हाइड्रोलिक, दूसरा मैकेनिकल और तीसरा जो है वो है न्यूमेटिक। तो जो हाइड्रोलिक है और जो मैकेनिकल है वो हम लोग टॉपिक देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, मैं वहाँ पर लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि आगे का जो भी टॉपिक है वो और भी अच्छे से आपका क्लियर हो। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे न्यूमेटिक एयर सैलिन सिस्टम को। न्यूमेटिक यानी कि एक ऐसा एयर सैलिन सिस्टम जहां पे हाई प्रेशर एयर को हम लोग यूज करते हैं एयर को कन्वे करने के लिए, एयर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। न्यूमेटिक का मतलब होता है एयर। ओके, तो यहाँ पे जो कंप्रेसर हाउस है, जो जहाँ पर कंप्रेसर के द्वारा आपका एयर को हम लोग हाई प्रेशराइज में उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी एयर को यहाँ पे कन्वे करने के लिए एयर को यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो न्यूमेटिक एयर सैलिन जो सिस्टम होता है वो तीन तरह का होता है। इसके सिस्टम जो होते हैं वो तीन तरह का होता है। पहला जो है वो है लीन फेज, दूसरा जो है वो है मीडियम फेज और तीसरा जो है वो है डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम। तो इसमें देखिए ये जो भी कैटराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, वो इसका एयर एंड जो एस होता है उसके रेशियो के बेस पे इसको क्लासिफाई किया गया है। जिसमें से अगर हम लोग देखेंगे कि डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो एयर का जो कंजप्शन होता है वो कम होता है और एस का जो कन्वेइंग होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसी का ज़्यादातर यूज किया जाता है डेंस फेज कन्वेइंग सिस्टम का एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिक और एज कम्पेयर टू मैकेनिकल। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे कि जब आपका न्यूमेटिक एयर सैलिन सिस्टम लगा होता है तो वो कैसे वर्क करता है। तो अभी हम एक डायग्राम की मदद से अभी देख लेते हैं कि न्यूमेटिक एयर सैलिन सिस्टम में कौन कौन सा सिस्टम यानी कि कौन कौन सा इक्विपमेंट लगा होता है। तो देखिए यहाँ पे एक हो गया हमारा एयर हॉपर, जहाँ से आपका बॉयलर में आपका जो एयर जनरेट होता है वो यहाँ पर आके कलेक्ट होता है। यहाँ पे देखिए ये हो गया एक प्लेट गेट वाल्व, जिसको नाइफ एज वाल्व भी कहते हैं। यहाँ पे एक वेसल हो गया ठीक इसी का जैसा होता है, एक छोटा सा, जहाँ पर इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट एयर वेसल। और यहाँ के ऊपर इसके किनारे में एक वाटर जैकेट लगा होता है जहाँ पर वाटर सर्कुलेट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको इस तरह से एक स्प्रिंग टाइप का एक इक्विपमेंट दिखेगा, एक अरेंजमेंट दिखेगा, उसको कहा जाता है एक्सपेंशन बेलो। और यहाँ पे इस तरह से एक ओवल टाइप का आपको वाल्व दिखेगा जिसको हम लोग कहते हैं एस इनलेट वाल्व या डोम वाल्व। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे जो वेसल आकार का है तो इसको कहा जाता है आपको एस वेसल। और यहाँ पे एक लगा होता है लेवल स्विच, ये जो लाइन जो एक कन्वेइंग लाइन है उसको कहा जाता है एस कन्वेइंग लाइन। यहाँ पे वेसल के साथ एक जो लाइन जुड़ा हुआ है इसको कहा जाता है एयर कन्वेइंग लाइन, इसी के थ्रू एयर आता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जहाँ पे एस कलेक्ट होता है उसको कहा जाता है साइलो। तो ये हमारा जो इस सिस्टम में आपका जो एयर सैलिन सिस्टम में ये सब इक्विपमेंट लगा होता है। तो आप देखते हैं ये कैसे वर्क करता है, हमारा जो एयर है वो कैसे कन्वेइंग होता है। तो देखिए जो बॉयलर में हमारा एयर जो जनरेट हुआ, चाहे वो बॉटम एयर हो चाहे वो फ्लाई एयर हो, तो आप अगर ईएसपी के नीचे देखेंगे तो इस टाइप का आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, जहां पे बॉटम एयर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो पहले उसको क्रशर में भेज दिया जाता है, फिर वहाँ पे एक आपका जो हॉपर उसके नीचे ठीक इसी तरह लगा होता है और फिर उसको हम लोग इसी सिस्टम के माध्यम से न्यूमेटिक एयर सैलिन सिस्टम के माध्यम से हम लोग उसको भी कन्वे कर लेते हैं। यानी कि बॉटम एस हो चाहे फ्लाई एस हो, इस सिस्टम के द्वारा हम लोग उसको कन्वे कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जो बॉयलर में एस जो जनरेट हुआ वो इस हॉपर में आया, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लेट वाल्व लगा हुआ है जिसको नाइफ एज गेट वाल्व भी कहा जाता है। तो ये वाल्व क्या होता है, ये नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान ये ओपन कंडीशन में रहता है, जिसके द्वारा ये जो
एज जो है वो इस जगह पे आ पाता है। अगर मान लीजिए कि हमको इस सिस्टम में कुछ वर्क करना हो, किसी में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया हो या मेंटेनेंस करना हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, इस वाल्व को आइसोलेट कर देंगे यानी कि बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा कि ये सिस्टम हमारा जो कन्वेइंग सिस्टम है और जो हमारा हॉपर है, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, जिसके द्वारा हम लोग इसमें कोई वर्क या मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान ये ओपन होता है ताकि हमारा जो एस है वो इस आपका जो इंटरमीडिएट एस वेसल जो होता है इसमें आ सके। अब इसमें जब आता है तो चूंकि हमारा एस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो उस एस को थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर लाने के लिए, थोड़ा ठंडा करने के लिए, इसमें क्या होता है, वाटर जैकेट लगा होता है, चारों तरफ वाटर सर्कुलेट करता है, जो ACW लाइन का जो वाटर होता है, ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर, वहीं से एक टैपिंग लेकर यहाँ से इन कराया जाता है और यहाँ से फिर आउट करा दिया जाता है सर्कुलेशन के बाद, ताकि जो हमारा एस जो है उसका एक नॉर्मल टेम्परेचर आ पाए। अब फिर यहाँ पे जो आप इस स्प्रिंग टाइप का जो आप देख रहे हैं, तो फिर हमारा एस जो यहाँ पे आता है, इसको कहा जाता है एक्सपेंशन बेलो। तो यहाँ पे एक मेटालिक एक्सपेंशन बेलो लगा होता है। एक्सपेंशन बेलो का क्या काम होता है, एक्सपेंशन बेलो एक ऐसा हमारा अरेंजमेंट है, ऐसा इक्विपमेंट है जो थर्मल स्ट्रेस, थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, ये सभी चीज़ को अलाउ करता है, उसको रेजिस्ट करता है। तो देखिए हमारा चूंकि मटेरियल क्या है, यहाँ पे जो एस है वो गर्म होगा, तो गर्म होने की वजह से यहाँ पे जितने भी मेटेलिक पार्ट है, लाइन है, वो क्या होंगे, थर्मल एक्सपेंशन होगा। जब वो ठंडा होगा तो क्या होगा, उसी तरह वो कॉन्ट्रेक्शन होंगे, संकुचन होगा उसमें, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा लाइन जो है वो डिसअलाइन हो सकता है, लाइन जो होता है वो डैमेज हो सकता है, टेपर हो सकता है, आपका मिसअलाइन होने की वजह से क्या होगा कि वो टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, जिसके वजह से इन फ्यूचर वो डैमेज भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक एक्सपेंशन बिलो लगा देते हैं, ताकि जैसे ही हमारा हीट के कारण आपका जैसे ही थर्मल एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो इसको अलाउ कर देगा, जिससे हमारा जो भी अलाइनमेंट है वो सही तरीके से रहेगा। तो अब ये जो हमारा मटेरियल है वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आपको ओवल टाइप का एक शेप दिख रहा है, इस तरह का एक ओवल टाइप का शेप है। तो इसमें क्या होता है, इसको कहा जाता है कि एस इनलेट वाल्व या डोम वाल्व, ठीक है। अब ये जैसे ही वाल्व ऑपरेट होता है, तो हमारा जो एस है वो इस वेसल में आकर जमा हो जाता है, उसी में गिर जाता है। ये जो डोम वाल्व होता है, इसको इंस्ट्रूमेंट एयर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसमें एक पावर सिलेंडर लगा होता है जो इंस्ट्रूमेंट एयर के द्वारा ऑपरेट होता है। इसमें फिनोमेना ऐसा है कि जब आपका पावर सिलेंडर क्लोज कंडीशन में होगा, तो ये हमारा जो डोम वाल्व है वो ओपन कंडीशन में होगा, और जब हमारा जो पावर सिलेंडर है वो ओपन कंडीशन में होगा, तो ये हमारा जो डोम वाल्व है वो क्लोज कंडीशन में होगा विथ सील प्रेशर के साथ। तो जब हमारा जो पावर सिलेंडर है वो क्लोज हुआ, तो ये क्या होगा, ये ओपन होगा, और ये जैसे ही ओपन होगा तो हमारा जो एस है वो इस वेसल में आकर गिर जाएगा। फिर यहाँ पे जब हमारा जो एस है वो आपका आ गया, तो यहाँ पे एक लेवल स्विच लगा होता है जो लेवल को इंडिकेट करता है। जैसे ही ऑपरेट होगा, ये ऑन होगा, ये लेवल को अगर ना बताएगा नॉर्मल लेवल को, तो ये क्या होगा, ये डोम भाग जो है वो बंद हो जाएगा। एक प्री डिटरमाइंड एक टाइम होता है, एक टाइम उसके कुछ इंटरवल होता है, उसी टाइम तक आपका जो एस है यहाँ तक गिरता है, और जैसे ही लेवल स्विच में आपका इंडिकेट करता है, तो ये भाग जो है वो क्लोज होता है। अब जैसे ही यहाँ पे हमारा एस आ गया, तो ये हमारा सिस्टम बंद हो जाता है, और फिर यहां से कन्वेइंग सिस्टम हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि कन्वेइंग एयर जो है, जो कंप्रेस एयर से जो सर्विस एयर आया, वो यहां से आपका इन करता है इस वेसल में, और फिर यहां पर क्या होता है कि यहां से ये एस को लेते हुए अपना इंटरमीडिएट साइलो में चला जाता है। ओके, तो ये इस तरह से ये साइलो में चला गया, जहां पे एस जो है वो कलेक्ट हो जाता है। फिर इसको हम लोग फर्दर इसको एस को कंडेंसिंग करके, यानी कि उसको थोड़ा मॉइस्चराइज करके, हम लोग ट्रांसपोर्ट की मदद से जहां भी डिस्पोज करना है वहां पे भेज देते हैं। अभी जो एस कन्वेइंग के लिए जो हम लोग एयर यूज करते हैं, तो उसका जो प्रेशर होता है वो इस प्रेशर गेज में, यहां पे एक प्रेशर गेज लगा होता है, तो यहां पे इस प्रेशर गेज में शो करता है, जिसका जो प्रेशर है वो 6 से 7 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रहता है। और यहां पे एक अलग सा एक प्रेशर गेज लगा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं बैक प्रेशर गेज। यहां पे क्या होता है कि लाइन में जो हमारा बैक प्रेशर आता है कन्वेइंग के दौरान, तो वो इसमें शो करता है। इसमें क्या होता है कि जब हमारा जो सिस्टम है वो बंद रहता है, तो इसमें जो प्रेशर शो करेगा वो 1 kg के बिलो शो करेगा। जब हमारा नॉर्मल कन्वेइंग होगा, जब एस नॉर्मल तरीके से अपना कन्वे करेगा, तो इसमें जो प्रेशर शो करेगा वो बिलो 2 kg करेगा। और अगर हमारा किसी दौरान लाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, लाइन चोक हो गया, लाइन जाम हो गया, तो हमारा क्या होगा, वो एस जो है वो कन्वे नहीं हो पाएगा। तो जिसके वजह से क्या होगा कि एक पीछे की तरफ एक हमें प्रेशर मिलेगा, आपको एक पीछे की तरफ आपको बैक प्रेशर मिलेगा, तो उसी को उसी बैक
बैक प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए बताने के लिए यहाँ पे एक बैक प्रेशर गेज लगा रहता है। तो अगर हमारा 2 kg से ज़्यादा प्रेशर बता रहा तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि हमारा लाइट कहीं ना कहीं ब्लॉक हुआ है, कहीं ना कहीं जाम हुआ है। तो जिसके वजह से फिर हम लोग फर्दर इसको डिटेक्ट करके उसमें जो भी अपना काम करना है, लाइन को क्लियर करना है, वो करते हैं और फिर सिस्टम को लाइन में लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ये कन्वेइंग जो लाइन है, एस कन्वेइंग लाइन, यहाँ पे कई तरह का ये अलग से लाइन जोड़ा गया है। तो इसमें क्या है, इसमें भी अपना जो है वो जो अपना जो सर्विस एयर यूज है वो उसी को इसमें दिया जाता है, जिसको कहा जाता है बूस्टिंग एयरलाइन। ये क्या करता है, एक तरह से यहाँ पे जो कन्वेइंग सिस्टम है उसको बूस्ट करता है, यानी कि उसको बढ़ाता है, ताकि हमारा जो भी जब एयर कन्वेइंग करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रेशर ड्रॉप होगा, तो आगे की और भी उसको हमको यहाँ तक भेजना है ना, साइलो तक भेजना है, तो यहाँ तक जाने के लिए उसको और भी फोर्स चाहिए। तो अभी मान लीजिए हम यहाँ पे दिए और यहाँ पे अगर कुछ नहीं देंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे इसका प्रेशर ड्रॉप कर जाए, तो मटेरियल यहीं तक रुक जाएगा। तो मटेरियल आसानी से साइलो तक पहुँच पाए, ठीक है, जो भी जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से बूस्टिंग एयरलाइन दिया रहता है अलग अलग जगह पे, ताकि हमारा जो एस में आपको फोर्स मिलता रहे, प्रेशर मिलता रहे और हमारा नॉर्मल एस कन्वेइंग होता रहे साइलो तक। अब जो ये हमारा न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम है, ये नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान ऑटो मोड में रहता है, यानी कि ऑटो मोड में वर्क करता है। तो जब हमारा ये सिस्टम जो है, जब इसको हम लोग ऑटो मोड में चलाते हैं, तो इसमें आपको तरह तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेगी। जैसे हमारा जो डोम वाल्व है वो कुछ समय के लिए ओपन होगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारा जो ये क्लोज होगा, फिर उसके बाद हमारा एक अलग सिस्टम कन्वेइंग सिस्टम स्टार्ट होगा, फिर हमारा ये सिस्टम रिसेट होगा। तो इसी के आधार पर यहाँ पे 3 चीज आपको देखने को मिलेगा, एक है लोड टाइम, दूसरा जो है वो है कन्वेइंग टाइम, और तीसरा जो है वो साइकिल टाइम। तो लोड टाइम क्या होता है, तो यहां से देखिए इस हॉपर से लेके यहां तक इस वेसल में जो हमारा एश जब आएगा तो इसको कहा जाता है लोड टाइम। तो ये हमारा मटेरियल जब आया तो हमारा जब ढोम बांध क्या होता है कि ये कुछ समय के लिए ओपन होता है, जैसे मान लीजिए कि आप 5 सेकंड 10 सेकंड जो भी देना चाहते हैं वो दे दिए, तो जैसे मान लीजिए 10 सेकंड आप दे दिए, ठीक है, तो ये 10 सेकंड तक क्या होगा, ये हमारा डोम वाल्व जब है वो ओपन हो जाएगा और जितना भी मटेरियल गिरना है वो गिर जाएगा, और हमारा लेवल स्विच है वो इंडिकेट कर देगा कि अब लेवल आ चुका है, आप बंद हो जाइए, तो ठीक है फिर वो बंद हो जाएगा। और ये जैसे भी बंद हो जाएगा तो उस समय क्या होगा कि इसके ऊपर एक क्या होता है कि एक सील लगा होता है, एक रबर का सील लगा होता है, जिसके द्वारा जब ये बंद होता है तो ये पूरी अच्छी तरह से पैक हो जाता है, एकदम उसको सीलिंग कर देता है, जिसके वजह से पैक होने की वजह से क्या होता है, जब ये हमारा वेसल जो है वो जब मटेरियल इसमें आता है तो ये क्या होता है प्रेशराइज होता है, तो इसका जो प्रेशर है, इस एस वेसल का जो प्रेशर है वो रिलीज ना हो, इसीलिए यहाँ पे एक सीलिंग दिया जाता है इस डोम वाल्व के चारों तरफ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे कि घर में जो प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर के ढक्कन में आप देखे हैं ना कि चारों तरफ रबर दिया रहता है, तो वो रबर क्यों दिया रहता है, ताकि जब आप खाना बनाएंगे तो उसमें जो प्रेशर जब प्रोड्यूस होगा तो प्रेशर रिलीज ना हो। तो अगर मान लीजिए रबर नहीं लगाएंगे तो क्या होता है कि खाना आपका नहीं पक पाएगा, क्योंकि वो जो प्रेशर वो रिलीज हो जाता है, तो प्रेशर की वजह से ही तो खाना आपका जल्दी बन जाता है। तो उसी तरह ठीक है, हमारा जब यहाँ से प्रेशर रिलीज हो जाएगा तो ये हमारा एस कन्वेइंग हो ही नहीं पाएगा, इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर हमारा जो डोम वाल्व है उसको सीलिंग किया जाता है, और जब इसको सीलिंग किया जाता है तो इसका एक सर्टेन प्रेशर जो है वो मेंटेन किया जाता है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लोड टाइम के दौरान, जब हमारा डोम वाल्व ऑपरेट और हमारा एस जो है वो भेषण में आ जाएगा। अब जैसे ही टाइम कंप्लीट हो गया तो ये हमारा डोम वाल्व क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है, और हमारा भेषण जो है वो प्रेशराइज हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि ये सिस्टम बंद हो जाएगा, अब दूसरा सिस्टम स्टार्ट होगा कन्वेइंग टाइम। तो कन्वेइंग टाइम जैसे मान लीजिए आप 15 सेकेंड 20 सेकेंड 25 सेकेंड जो भी आप देना चाहते हैं दे दिए हैं, तो मान लीजिए कि आप 25 सेकेंड दे दिए, ठीक है, तो 25 सेकेंड जब आप देंगे तो 25 सेकेंड तक क्या होगा कि जो एयर जो कन्वेइंग है, कन्वेइंग होने के लिए जो एयर है जो कंप्रेसर हाउस से आ रहा है, तो उसमें क्या होगा कि ये एयर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये कन्वेइंग के लिए इसमें आना स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक आएगा 25 सेकंड तक। जैसे ही 25 सेकंड हो जाएगा यानी 25 सेकंड तक हमारा जो इसमें एस है वो कन्वेइंग होकर साइलो तक जाएगा। अब हमारा ये टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो ये हमारा जो सिस्टम है वो बंद हो जाएगा, यानी कि एयर आना बंद हो जाएगा, और एयर आना बंद होगा तो कन्वेइंग भी बंद हो जाएगा एस का, फिर स्टार्ट होगा थर्ड जो टाइम है वो है साइकिल टाइम। साइकिल टाइम किसको बोलते हैं, जब हमारा ये जो डोम वाल्व ऑपरेट हो गया, अब ये हमारा सिस्टम जो है वो कन्वेइंग हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, ये हमारा सिस्टम जो है एक बार रिसेट होगा, ठीक है, कुछ देर के लिए होल्ड होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए 5 सेकंड दे दिए होल्ड होने के लिए, रिसेट होने के लिए, तो ये हो गया 5 सेकंड यहाँ पे, तो 5 सेकंड तक क्या होगा ये रिसेट होगा, और फिर उसके बाद रिसेट होने के बाद फिर वही फर्दर हमारा जो सीक्वेंस था कि डोम वाल्व ऑपरेट होगा, ऐसा आएगा, फिर ऐसा आ गया, फिर हमारा कन्वेइंग जो टाइम है वो शुरू होगा और
एस से इस तरह से कन्वेइंग होता रहेगा। तो यही होता है न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम, जिसमें जो हमारा जो एस है वो इस एस ऊपर से लेकर इस साइनो तक कन्वे होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस टॉपिक को कवर कर पाए, वो भी समझ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।